Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and very well. As you know, it is our English lecture and today we'll do the question answers of the chapter number 9. Before starting question answer, let's talk about the story of silk reading. What is in this chapter? Okay, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो पुअर गर्ल है उसने कैसे जो है वो सिल्क को डिस्कवर किया था, कैसे वो एक गरीब लड़की खेतों में काम करते वैसे बादशाह से पसंद कर लेता है और शादी करके अपने महल में ले जाता है। वहाँ जाकर वो बहुत बोर होती है, वहाँ एक दिन वो गर्म जो है वो पानी पी रही होती है कि उसके अंदर जो कोकोन गिर जाता है और वही कोकोन जो पानी मिलता है तो वो एक लंबे लंबे धागे होते हैं जो कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आगे सोचती है और उसे वेव करती है और सिल्क बनाती है। जिस तरह वो जो सिल्क है काफ़ी देर तक चाइना में रहता है, उसके बाद जो एक शहजादी है प्रिंसेस वो शादी करके किसी दूसरे मुल्क जाती है और वहाँ जाकर वो इसका तरीका बताती है और ऐसे जो है सिल्क वो सारे जो है कंट्रीज़ में भी मैन्युफैक्चर होने होने लगा। तो ऐसे ही इस स्टोरी में हमने सिल्क के डिस्कवर को पढ़ा था। लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज सिल्क डिस्कवर। सिल्क वाज डिस्कवर इन चाइना। तो चाइना में डिस्कवर हुआ था। वट डिड द गर्ल विच बिकेम एन इम्प्रेस डू टू फील हर टाइम बिफोर शी गॉट मैरिड। जो लड़की है जो पुअर गर्ल थी वो इम्प्रेस बनने के बाद इनसे पहले अपना कैसे वो टाइम था वो स्पेंड करती थी। शी वर्क ऑन टू नाइट सराउंडेड बाई फ्रेंड्स एंड फैमिली। वो दिन रात अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ काम करती थी खेतों में। हु एक्सचेंज द न्यूज़ एंड गॉसिप एज दे वर्क। जो कि सब काम करते हुए एक दूसरे के साथ बातें करते थे और एक दूसरे को खबरें दे रहे थे। इस तरह उनका जो अच्छा टाइम गुजर जाता था। वाई वॉज इम्प्रेस सैड शी मिस्ड हर बिजी लाइफ एंड हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो अपनी जो बिजी लाइफ थी खेतों में काम करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, अपने गॉसिप को मिस कर रही थी। वट डिड इम्पीरियर डू टू मेक द इम्प्रेस हैप्पी। उसने उसको खुश करने के लिए बादशाह ने उसे क्या क्या किया। ही ब्रॉट हर ग्रैंड क्लॉथ ज्वेल्स एंड आर्टिफैक्ट्स टू सेलिब्रेट पार्टीज। हायर द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द लैंड टू म्यूज हर। उसने उसके लिए महंगे कपड़े खरीदे, ज्वेलरी खरीदी, आर्टिफैक्ट्स खरीदे, पेंटिंग उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी खरीदी, उसके लिए पार्टीज रखी, उसके बेस्ट म्यूजिशियंस को बुलाया, हायर किया उसे अम्यूज़ करने के लिए, उसकी बोरियत को दूर करने के लिए, लेकिन उसे खुश करने के लिए, लेकिन वो फिर भी स्टिल सैड रही। वेयर वॉज इम्प्रेस वैन शी डिस्कवर सिल्क एंड वॉट वॉज शी डूइंग। इम्प्रेस कहाँ पर थी जब उसने सिल्क डिस्कवर किया और क्या कर रही थी। शी वॉज इन हर गार्डन। वो अपने बाग में थी सिपिंग हॉट वाटर फ्रॉम अ कप। जो कि हॉप सीप ले रही थी हॉट वाटर अपने कप से। ओके स्टूडेंट्स, इट्स आर सेकेंड पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। शी डैश सिप हॉट वाटर फ्रॉम अ कप। शी स्लोली बहुत आहिस्ता से एंड दे हैड डैश अ फेयर अमाउंट ऑफ यार्न गैदर अ फेयर अमाउंट ऑफ यार्न। द इम्प्रेस हैड अ डैश आइडिया ग्रेट आइडिया। शी हैड हिडन द कोकोन्स ऑन हर लॉन्ग डैश हेयर डू एलेबोरेट। शी हैड ग्रोन अप इन द डैश ओपन स्पेसिस ऑफ द डैश वाइड ओपन स्पेसिस ऑफ द कंट्री साइड। Okay, students, thank you so much. Hope you will understand. Thank you so much for your attention.